नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम वीकली वन लाइनर्स को देखेंगे, वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल की बात कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो 169 रुपीज दे के हमारा मेन्स कैंप को एनरोल कर सकते हो। साथों साथ आप कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ढेर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, बिकॉज छोटे छोटे बातों पे हम वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो जो भी अपडेट्स आपको मिलता है तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और इसी का पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। होम मिनिस्टर के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी गठन किया गया था। वहां पे 5,751 करोड़ का बंटवारा किया गया है 8 राज्यों को। क्यों? कालामिटी डैमेज रिलीफ के तहत रेपो रेट घट गया है, आप सभी को पता है। लोन्स और ईएमआईज जो एसबीआई से जुड़े हुए हैं उन लोग की बात कर रहा हूं, और 75 बेसिस पॉइंट घटा देगा एसबीआई रेपो रेट के तहत। जो भी घट गया है उससे और 75 बेसिस पॉइंट्स हटा देना, यानी और 0.75% कम कर दो आप। अल्फाबेट गूगल का कंपनी है, गूगल का पेरेंट कंपनी है, ये 800 मिलियन डॉलर दे रहा है कोरोना वायरस आउटब्रेक के तहत। एबॉट ने एक 5 मिनट का COVID-19 टेस्ट किट लॉन्च कर लिया है, एबॉट ने लॉन्च किया है इसको। इंडिया फ्रांस दोनों मिलके रीयूनियन आइलैंड से जॉइंट पेट्रोल एक्साइज करेंगे। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते आरंभ किया है COVID-19 के लिए। सतीश गुजराल जो पद्म विभूषण अवार्डी थे ही पास्ट अवे। हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और समाजवादी पार्टी के लीडर थे बेनी प्रसाद वर्मा, ही ऑल्सो पास्ट अवे। शिल्पा सेठी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एसएस ऐप, शिल्पा सेठी ऐप। इन्होंने पार्टनर किया है फिट इंडिया के साथ। अटलास 5 ने लॉन्च किया है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है AEHF-6, फर्स्ट मिशन फॉर यूएस स्पेस फोर्स। फेसबुक ने अपना एक मैसेंजर चैटबॉट लॉन्च किया है ताकि वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए। प्रोजेक्ट आइजैक किसने लॉन्च किया है? IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया है। आइजैक न्यूटन सर के नाम से बेस्ड है, जो स्टूडेंट्स लोग को एंगेज रखेगा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड इनिशिएट किया है, ये लॉन्च किया है ताकि डोनेशन आप दे सकते हो और कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को मदद कर सकते हो। 24/7 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर लॉन्च किया गया है जहां पे आपको COVID-19 के क्वेरीज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ईपीएफ स्कीम लॉन्च किया गया है दोस्तों ताकि 75% तक आप नॉन रिफंडेबल विड्रॉ कर पाएंगे। मुंबई मेट्रो लाइन 3 इसने जापान के कंपनी है JICA के साथ मिलके 2480 करोड़ लोन को लिया है ताकि वो अपना रेलवे प्रोजेक्ट को दे पाए। चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज उनका नाम था दादी जानकी, सी पास्ट अवे। बीपी कनुंगो को एक और साल का रीअपॉइंट किया गया है आरबीआई डेपुटी गवर्नर के हिसाब से। IDBI ने अपने सभी बोरोवर्स को यूनिफॉर्म 3 मंथ मोराटियम पीरियड दे दिया है। ICICI लोम्बार्ड भारत पे के साथ मिलके इंश्योरेंस कवर लॉन्च कर रहा है शॉपकीपर्स लोगों के लिए COVID-19 के चलते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कोरोना कवच। क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो रणवीर सिंह को मिला है, बेस्ट एक्टर की बात कर रहा हूं मैं, गली बॉय फिल्म के लिए। गीतिका विद्या ओहलान बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सोनी फिल्म। मिर्जा वाहिद और शांतनु दास इनको द हिंदू प्राइज 2019 मिला है। DRDO ने एक बॉडी सूट लॉन्च किया जिसको कहते हैं PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट COVID-19 के डॉक्टर्स को लिए, मतलब COVID-19 को फाइट कर रहे डॉक्टर्स लोगों के लिए। तमिल फॉल्क सिंगर हैं जिनका नाम है और वो एक्ट्रेस भी थे, पारावाई मुनियामा सीज नो मोर। तमिल के एक एक्टर भी हैं और वो डॉक्टर भी हैं, सेतु रमन ही पास्ट अवे।
सिविल राइट्स के आइकॉन रेवरेंट डॉक्टर जोसेफ लोरी ही पास्ट अवे। नॉर्दर्न रेलवे सबसे पहला रेलवे बना है जो अपने कंपार्टमेंट्स को आइसोलेशन कोच में कन्वर्ट कर देगा। आसाम गवर्नमेंट ने 1000 रुपया अनाउंस किया है, मतलब माफ करिएगा 1000 रुपया देने का वायदा किया है। किसको? अपने सभी 2.78 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। मोदी किचन तमिलनाडु में लॉन्च किया गया कुबाई में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया, जहां पे घर घर जाके आइडेंटिफाई करेंगे केसेस कोविड 19 के। वेस्ट बंगाल की सरकार ने अपने केयर गिवर्स को इंश्योरेंस कवर दिया 10 लाख का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो एक साल और बढ़ाया गया है मार्च 2021 तक। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो फॉरेनर्स फंसे हुए हैं उनके लिए है ये स्ट्रैंडेड इन इंडिया। गवर्नमेंट ने अपना क्रॉप लोन इंटरेस्ट बेनिफिट को बढ़ा दिया है मार्च 31 तक। सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया है ग्रुप एज ए पार्ट ऑफ नेटो रिफ्लेक्शन प्रोसेस। एप्पल ने पार्टनरशिप किया है डार्क स्काई के साथ, जो एक वेदर ऐप है। एनएससी कॉरपोरेशन की बात करूं तो इन्होंने अपना एक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू प्रेसिडेंट सीईओ। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स का वर्चुअल टॉक हुआ है, उससे पहले सभी हेड लोगों का टॉक हुआ था जिसको सऊदी अरब ने हेड किया था। नासा ने अपना एक न्यू मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है न्यू सनराइज मिशन, जहां पे सोलर स्टॉर्म के बारे में पढ़ सके। वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल में। DARPGs नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया है कोविड 19 ग्रीवेंसेस के लिए, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डैशबोर्ड होगा। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन ऑफर किया है इंडिया के लिए, बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। ग्लोबल इकोनॉमी, पूरा संसार का इकोनॉमी 1.1% श्रिंक कर जाएगा, जो कि पहले प्रेडिक्शन दिया जा रहा था कि 2.5% प्लस में जाएगा, अब -1% के हिसाब से श्रिंक करेगा यूएन कहता है ये। आंध्र प्रदेश में 25 लाख लोगों को हाउस मिलेगा, घर मिलेगा। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नवरत नालू पेदालान दारी की इल्लू प्रोग्राम के तहत। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने हाथ मिलाया है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन मर्जर के साथ, यानी इसके साथ मर्जर हुआ है। लक्ष्मी नारायण ने सुंदरामन होम फाइनेंस कंपनी का MD पद का शपथ ले लिया है। निशान ने ग्यूलेन कार्टियर को एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और न्यू चेयरमैन बनाया है, किसके लिए? अफ्रीका, मिडल ईस्ट और इंडिया मार्केट्स के लिए। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ई नेम प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने लॉन्च किया है ई नाम प्लेटफॉर्म। सी डॉट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी है इन लोगों के साथ मिलकर क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करेगा। ADB आशियन डेवलपमेंट बैंक, इट्स नॉट आशियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, इसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4% रहेगा। ये एस्टिमेट किया है ADB ने कि जो ग्लोबल का संसार में जो चल रहा है कोविड 19, इसके चलते कितना खर्च होगा, $4 ट्रिलियन खर्च होगा। गूगल ने $6.5 मिलियन डोनेट किया है ताकि मिस इंफॉर्मेशन ना हो कोरोना वायरस के चलते। डोमिनो पिज्जा ITC फूड्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि होम डिलीवरी दे पाए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट MOM परचेज करेगा, दैट इज पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन सिलेंडर परचेज करेगा, जिसको नेवी ने बनाया था। इनफैक्ट मैं बात करूं तो NAVY ने बनाया था, राइट, विशाखापट्टनम का विंग है ये। दिल्ली सरकार अपने ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स इन लोग को 5000 रुपया देगा। गुजरात गवर्नमेंट क्या करेगा, जो गौशालाज हैं, जितने भी रजिस्टर्ड गौशालाज हैं, उन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कि 25 रुपए पर डे मिलेगा, ताकि गाय लोग और जितने भी गौशालाज में हैं, है ना, गाय लोग को एक मदद मिलेगी। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आरोग्य सेतु, ये गवर्नमेंट का एक कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप है। पेटीएम मनी के MD और CEO जो थे प्रवीण यादव, ये रिजाइन कर चुके हैं। रजनीश ओशवाल ये बने हैं जस्टिस, किसके? जज ऑफ हाई कोर्ट, ये परमानेंट जज बने हैं, किसके? जज ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख की बात कर रहा हूं मैं।
CLW sets world record, है ना, 431 locomotives बना के इन्होंने world record set किया है. Bob Witton जो है इनको नोबेल प्राइज नहीं, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, राइट, बिकॉज ही इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन. इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल, माइनिंग को लेके, लैंड माइन से ले, मतलब लैंड माइन से चलते जितना भी हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर जितना भी लेना है उसके बेसिस पे. मिनिस्ट्री ऑफ HRD और IT, मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD हैं ये और IT भी हैं, संजय धोत्रे, इन्होंने लॉन्च किया हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथॉन. अमित शाह जी ने अप्रूव किया है कि 11,092 करोड़ रुपया दिया जाएगा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स मिटिगेशन फंड के तहत. DST इसने एक रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर सेटअप किया है सीने IIT बॉम्बे, राइट, टू कॉम्बैट COVID-19. फीच ने पूरा 30 साल के इतिहास की बात करूं तो दोस्तों सबसे इंडिया का वर्स्ट GDP फोरकास्ट दिया है, दैट इज 2% कर दिया है. माफी चाहता हूं, वर्स्ट नहीं दिया है, मतलब ये इनके हिसाब से इंडिया 2% के हिसाब से ग्रोथ करेगा, लेकिन ये फिगर वर्स्ट फिगर है, यही बताना चाहता हूं मैं आप सभी को. इंडिया को 6 बिलियन लोन मिल रहा है, $6 बिलियन लोन मिल रहा है सभी से, AIIB से, ADB से, है ना, जितने भी दे रहे हैं. टोटल कैलकुलेशन करें लोन तो $6 बिलियन लोन हो रहा है COVID-19 को कॉम्बैट करने के लिए. ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा स्कीम लॉन्च किया है, ताकि दिस इज ऑल अबाउट स्किल प्रोग्राम, ताकि बच्चों को एंगेज रखा जा सके ये लॉकडाउन के पीरियड में. जियो फेंसिंग ऐप लॉन्च किया गया है कि अगर आप क्वारंटाइन को वायोलेट करते हैं तो इससे पता चल सकता है कि आप कहां जा रहे हैं, जियो फेंसिंग ऐप. IBM ने ऑफर किया है वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स, ताकि क्विकली एड्रेस कर पाए COVID-19 के क्वेरीज को, वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स. AICTE एक यूनिक हेल्पलाइन पोर्टल के साथ आया है ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए. NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट BASB प्रकाश कुमार, गवर्नमेंट ने इनको दिया है कि उनका जो टीनियर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान BASB प्रकाश कुमार, इनको एक्सटेंशन मिल गया है 3 महीने के लिए मिला है. चाइना ने अपना कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा और उसका नाम दे रहा है वो वुहान के शहर के नाम से. फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है, वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जो नवंबर में होने वाला था, इंडिया में होने वाला था, वो पोस्टपोन हो चुका है. ऑफिशियल मास्कट ऑफ 19th एशियन गेम, है ना, ये 3 रोबोट्स को यहां पे क्या जाएगा, इनको कहते हैं 3 स्मार्ट ट्रिपलेट्स, है ना, इसको अनवील किया है हंगजाओ चाइना में. अरुणाचल प्रदेश के जो फॉर्मर मिनिस्टर थे पासंग वांचुक शोना, ही पासे सबे. IIT रुड़की ने अभी एक सबसे लो कॉस्ट फेस शील्ड डेवलप किया है, एज लो एज 5 रुपीज फेस शील्ड डेवलप किया है IIT रुड़की ने. राजस्थान की सरकार ने डियरनेस अलाउंस को बढ़ा दिया 17%, पहले 12% था, 5% बढ़ा दिया इसने. और जयपुर की जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है ना, यहां पे रोबोट लोग सेवा करेंगे. यस बैंक ने, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशांत कुमार वो बने हैं अभी MD एंड CEO प्रशांत कुमार. इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया ऑपरेशन नमस्ते टू फाइट COVID-19. पद्म विभूषण के जो अवार्डी थे सतीश गुजराल, ही पास्ट अवे. चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी जानकी पासेस अवे. बेनी प्रसाद वर्मा पासेस अवे. अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया जाता है. US ने अनाउंस किया है कि $174 मिलियन मिलेगा 64 कंट्रीज को, है ना, 2 मिलियन मिलेगा इंडिया को. एशियन डेवलपमेंट बैंक $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है NIIF फंड ऑफ फंड्स में. नॉर्थ मेसिडोनिया बन गया है नाटो का मेंबर. नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्ट किया है सुपर लार्ज मल्टी रॉकेट लॉन्चर. SBI ने ग्रीन बॉन्ड्स के तहत $100 मिलियन रेज कर लिया है फंड. ओके, उत्तर प्रदेश 611 करोड़ रुपया का बंटवारा कर रहा है अपने 27.15 लाख मनरेगा मजदूरों को.
यूपी के जो सीएम है इन्होंने टीम 11 का एक कंस्टिट्यूट किया है जिसको वो खुद हेड करेंगे ताकि वो कोरोना को बीट कर पाए। सीडब्ल्यूआई कर्नाटका ने टास्क फोर्स गठन किया है राज्य सरकार के साथ। नवीन चिकारा 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए हैं, है ना, ये शॉर्टपुट खेलते हैं, फ्लंकिंग डोप टेस्ट, इन्होंने डोप टेस्ट फेल हो गए ये नवीन चिकारा। टोक्यो ओलंपिक जो है वो इतिहास में इतिहास की बात नहीं है, टोक्यो ओलंपिक जो है वो जुलाई 2021 में अब खेला जाएगा। तमिल के एक फोल्क सिंगर हैं और एक्ट्रेस हैं पाराभाई मुनियामा, ही पासेस अवे। चेन्नई पोर्ट जो है उसने कामाराजा पोर्ट को एक्वायर कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर कोरोना वायरस पैंडेमिक एड के तहत डेवलपिंग नेशंस को दे रहा है। फेसबुक ने अपने जर्नलिज्म लोगों को सपोर्ट करने के लिए 100 मिलियन डॉलर का प्लेस किया कि सपोर्ट करेगा करके। 5.45% स्टेक खरीद लिया है स्पाइस जेट में, कौन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। नोमुरा ने 2020 जीडीपी फोरकास्ट क्या क्या -0.5%। नेशनल बुक ट्रस्ट एमएचआरडी का एक डिपार्टमेंट है, उसने लॉन्च किया कोरोना स्टडी सीरीज, इससे पहले उन्होंने 100+ पीडीएफ बुक्स ऑनलाइन भी फ्री में डाउनलोड करने के लिए बोला है। डेथ ऑफ जीसस को कौन लिखा है, जीएम कॉटजी, दिस इज द थर्ड बुक इन द सीरीज, चाइल्डहुड ऑफ जीसस, एडल्टहुड ऑफ जीसस एंड डेथ ऑफ जीसस। आईआईटी बॉम्बे ने अब क्या किया है, 2 ऐप बनाया है ताकि वैल्यूएशन ट्रैक कर पाए क्वारंटाइन का। आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन डेवलप किया ताकि अपने लार्ज एरियाज को सैनिटाइज कर पाए। आरबीआई ने WMA वेज एंड मींस एडवांसेस लिमिट को बढ़ा दिया है, 1.20 लाख करोड़ बना दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग फैसिलिटीज को व्हाट्सएप के साथ जोड़ लिया है। IBA ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हर बैंक को ₹500 दान करना है PMJDY के तहत सभी वुमेन को 3 महीने तक के लिए। टाटा पावर JV ने 175 मेगावाट का सुखा खेवी प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, कहां पे, जॉर्जिया में। IIT गुवाहाटी की बात करें तो इन्होंने रोबोट्स डेवलप किया ताकि वो फूड डिलीवर कर पाए, मेडिसिन डिलीवर कर पाए। IIT कानपुर की बात करें तो पोर्टेबल वेंटिलेटर उन्होंने बना दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने TCS को ओवरकम कर लिया है, ओके, टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। आवास को मिला है ADB लोन $60 मिलियन। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है अब 2022 में खेला जाएगा। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट को 6.2% का प्रेडिक्शन दिया है फिज सॉल्यूशन ने। फोन पे ने ₹50,000 का इंश्योरेंस कवर दिया है, ₹156 में ये स्टार्ट होगा। कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, जो भी चल रहा है कोरोना वायरस मैक्सिमम वाला चल रहा है। एक्सिस बैंक ने EMI डिफरमेंट ऑफर किया है 3 महीने तक। यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट चेंज समिट पोस्टपोन हो गया है अगले साल तक। पर्सनल सेफ्टी ऐप ड्रॉर ऐप जो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का स्कोर बताएगा, यह भी लॉन्च किया गया है। फिलिप एंडरसन जो कि बहुत बड़े फिजिक्स के ज्ञानी थे, नोबेल लॉरेट, ही पास्ड अवे। विमल्टन टेनिस टूर्नामेंट अपने इतिहास में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ये पोस्टपोन किया गया है, कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगले साल खेला जाएगा ये। द विचेस के जो एक्टर है विंसेंट मार्जिलो, ही पासेस अवे। प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन एक साइंटिस्ट थे, वायरोलॉजिस्ट थे बेसिकली, गीता रामजी, ये कोरोना वायरस से सी लॉस्ट हर लाइफ एंड सी वॉज फ्रॉम इंडिया, इंडियन ओरिजिन, सी वॉज रिसाइडिंग इन साउथ अफ्रीका। इंडियन बैंक ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया ताकि वो फार्मर्स को, पोल्ट्री प्लेयर्स को, लोगों को हेल्प कर पाए। SBI कार्ड ने भी मोराटोरियम पीरियड को ऑफर किया है। INDRA कट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 3.6%। DRDO ने बायोशूट लॉन्च किया है, मैंने आपको बता चुका हूं ये। आदम्स क्ली सिंगर, ही वॉज ए सिंगर, ही वॉन 3 times एमी अवार्ड आउट ऑफ 10 times बींग नॉमिनेटेड, ही पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस। टोनी लुइस, DLS मेथड इन्होंने फ्रेम किया था, 1999 से लागू था, ही पास्ड अवे विथ हिज काउंटर पार्ट, दैट इज फ्रैंक डकवर्थ, राइट। भाई निर्मल सिंह जो पद्मश्री रेसिपियंट थे और फॉर्मर हाजूरी रागी, ही पासेस अवे। बात करते हैं दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 17,287 करोड़ का फंड रिलीज कर लिया है कोरोना आउटब्रेक को फाइट करने के लिए, अपने स्टेट्स को दान किया है। वर्ल्ड बैंक ने 160 बिलियन इमरजेंसी फंड लागू कर लिया है उन्हीं नेशंस के लिए ताकि COVID-19 को फाइट कर पाए, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। फिश सॉल्यूशन ने
अपना जीडीपी फोरकास्ट 4.6 नहीं है, अब 2% कर दिया, ये कली का बात कर रहा हूं मैं। जर्मन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस स्कैफर ही पास्ड अवे बिकॉज ही सुसाइडेड, है ना, थॉमस स्कैफर। अर्जुन देव जो है एक लेजेंडरी हिस्टोरियन थे, ही पास्ड अवे, जो एनसीईआरटी बुक्स में देखते हो, और उन्होंने लिखा था। प्रिंसेस मारिया टेरेसा ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्रिंसेस ऑफ स्पेन, सी पास्ड अवे, ये भी कोरोना के चलते खत्म हो गए। स्टार वॉर्स के एक्टर और बैटमैन बिगिंस के जो डायरेक्ट कोच थे एंड्रू जैक, ही ऑल्सो पास्ड अवे। चंदन सिंह राठौड़ जो एयर वाइस मार्शल थे, ही ऑल्सो पास्ड अवे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत, शबा के लबल। अपना शेयर का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।